ध्यान देना, ट्रंक वाला पोर्शन तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। हेड के बाद जो भी स्ट्रक्चर होता है ट्रंक ही होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग ट्रंक के बारे में बात करेंगे तो ट्रंक में क्या क्या हमने देखा था, मान लो ये फ्रॉग है, ठीक है ना, और ये फ्रॉग का ये पीछे वाला पोर्शन है, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये यहां से ये सारा पोर्शन जो है ना, ये ट्रंक हो गया फ्रॉग, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो नोटिसेबल पॉइंट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ट्रंक में जो नोटिसेबल पॉइंट है अपन उसको लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग देखें तो ट्रंक में क्या है, फोर लिंब और हिंड लिंब है ना, आगे वाला दो ठो पैर है और पीछे वाला दो ठो पैर है। उसके अलावा देख रहे थे डॉर्सल साइड में जो है एक लाइनिंग का, पता ही हम लोगों को ना। तो फोर लिंब यहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान देना, फोर लिंब जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। ट्रंक इसका काम क्या है, चलो उसके बारे में बात, ध्यान देना। अगर हम लोग इसके काम के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो जनरली ये स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तैरने के लिए है ना, स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्विमिंग के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो वॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चलने फिरने के लिए है ना। वॉकिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये बोरोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिट्टी को खोदने के लिए ताकि अपने बॉडी को छुपा सके उसके अंदर में, बोरोइंग के लिए या मिट्टी में गड्ढा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ये सारा स्ट्रक्चर इसमें जो है फोल्डिंग में होता है। ध्यान देना, फोल्डिंग में एक और खास बात ये है, जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में जो है ना एक अंगूठा होता है, उसके बाद हमारा इस तरीके से चार उंगली होती है ना। लेकिन तुम फ्रॉग में देखोगे तो ऐसा नहीं है, फ्रॉग में अंगूठा नाम का संरचना नहीं है। फ्रॉग में तुम देखोगे ना तो उसमें जो है ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चार ठो उसमें डिजिट ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें लिंब अगर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो बात करते हैं आज पहले इसको, तो देख ध्यान दो। तो इस तरीके से अगर हम लोग फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो फोल्डिंग के पास में केवल फोर डिजिट्स होता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि जो फोल्डिंग होता है ओनली फोर डिजिट्स, केवल चार डिजिट है, ठीक है ना। और वो फोर डिजिट कौन कौन से हैं वो तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है ना। ये जो चार डिजिट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं फोर डिजिट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग फोर लिम के जगह पे अगर हम लोग हिंड लिम को देखें, ये आगे वाला है, फोर लिम का मतलब क्या होता है, आगे वाला, ठीक है ना। अगर हम लोग हिंड लिम को देखें, पीछे जो होता है, ध्यान देना, अगर हम लोग हिंड लिम की बात करें, पीछे वाला जो उसका पैर होता है उसकी बात करें, तो ये जो हिंड लिम जो होता है ना, इसका भी काम वही है, मतलब वो तैरना वोड़ना ये सब काम है इसका, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ स्विमिंग, ओके, स्विमिंग के अलावा हम लोग बात कर सकते हैं वॉकिंग, चलने फिरने के लिए। वॉकिंग के अलावा जो है ना ये जो है ना कूदने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा मस्कुलर होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा ये मस्कुलर होता है, ठीक है ना। मस्कुलर देन हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर देन जो फोल्डिंग है ना, उससे ज्यादा जो मस्कुलर है वो तुम्हारा ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा एडिशनली इसमें क्या चीज है, ध्यान दो, इसमें तुम चार चार डिजिट देख रहे होते देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैंडलिप में जो है ना फाइव डिजिट होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो हिंडलिम जो होता है उसके पास है फाइव डिजिट्स, ठीक है ना। पांच डिजिट्स होते हैं, मैं अच्छे से लिखा इसको, हाँ फाइव डिजिट्स होते हैं, ये इंटरेस्टिंग। हमारा जैसा पांच उंगली है ना, वैसे ही पांच उंगली नुमा संरचना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका जो हिंडलिम जो होता है वो वेब्ड होता है। रियाज तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। हिंडलिम जो होता है, ठीक है ना, वो है वेब्ड, या बोल सकते हैं हैविंग वेब, इसमें वेब पाया जाता है। वेब किसकी, फॉर स्विमिंग। अब वो ये वेब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, ध्यान दो। अगर हम लोग फ्रॉग के हिंडलिम को देखें तो कुछ इस तरीके से एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना। तो ये अंगूठा नुमा संरचना जैसे हमारे अंदर में होता है,
वैसे इसके पास में भी है, और टोटल इसके पास कितना डिजिट हुआ यहाँ पे, 5 डिजिट्स। अब तुम बोलोगे सर वेब क्या होता है, तो ध्यान दो, ये जो डिजिट है इसके बीच में ना झालर के जैसा ऐसा झिल्ली लगी हुई है। ये झिल्ली पानी को फेंकने में या पानी को दूर करने में, पानी को टालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव, यही जो बीच में झालर नुमा संरचना है जिसे पानी को धकेलता है, इसी को वेव के नाम से जानते हैं। और ये वेव केवल और केवल हिंड लिम्ब में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम फोर लिम्ब को और हिंड लिम्ब जो है तुम उसको आसानी से क्या कर सकते हो, दोनों को डिफ्रेंसिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम लोग आसानी से जो हमारा फ्रॉग है उसका है हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब जो है उसको अपन पहचान सकते, ठीक है ना। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं फ्रॉग जो हमारा है उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, बाहरी जो बनावट है ना उसका है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग फ्रॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर है एनाटॉमी की बात करते हैं, ठीक है ना। और एनाटॉमी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब तुम लोग जानते ही हो ना, खाना को पचाना, कोई भी चीज को खाया ना तो उसको इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना ताकि हमारा सेल उसका इस्तेमाल कर सके, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। सॉरी, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो अगर वो एडवांस है तो उसके दो भाग होते हैं, एक होते हैं हमारा फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते थे, और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड हम लोग बोलते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो नली जिसमें खाना पचेगा, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है ना, उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं ना, खाना जिसमें मूव करता है उसी पैसेज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। देख लिया जाए एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा पार्ट है, मैं यहीं भी लिखता हूँ, ध्यान देना। अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में बात करेंगे तो सबसे पहले तो मुंह आने वाला है फ्रॉग का, जिसे वो खाना खाएगा, माउथ बोलते हैं उसको हम, ठीक है ना। माउथ से खाना कहाँ आगे जाता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, मुंह की जो गड्ढा होती है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं, अंदर में जो स्पेस होता है। ओरल कैविटी से आगे जो खाना जाता है ना, ये हम लोगों के लिए भी लागू होता है, ध्यान देना, फैरिंग्स, आपको पता ही है, हम लोग इस सबको पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो में, चिंता नहीं करना है, अभी पढ़ लोगे तो वहां पे आसान होगा। फैरिंग्स से आगे देखेंगे तो ओसो फेगस, जैसे हमारे ओसोफेगस में खाना जाता है ग्रसनी में, वैसे यहाँ पे भी इसमें भी जा रहा है। ओसोफेगस से आगे स्टमक में खाना जाएगा, आमाशय में, है ना, और आमाशय से आगे खाना जाता है किसमें, तो इंटेस्टाइन में, आंत में, हमारे अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें सीधे इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इंटेस्टाइन से जो पचा हुआ खाना है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अनपचा पदार्थ है उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है, ओके। और रेक्टम से हमारे बॉडी में एनस है, मल द्वार है, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रॉग में एक एक्स्ट्रा चीज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका, CLOACA, फ्रॉग में क्लोएका में अनपचा पदार्थ जाता है जहां से वो आउटसाइड निकाल दिया जाता है क्लोएकल अपर्चर के द्वारा, CLOACAL अपर्चर, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो देखो ना, लगभग में सारा स्ट्रक्चर जो है ना हम लोगों के जैसा ही है, जैसे हमारे अंदर में माउथ है इसके पास में भी माउथ है, हमारे अंदर में ओरल कैविटी इसके पास में ओरल कैविटी, हमारे अंदर में फैरिंग्स इसके पास में भी फैरिंग्स, हमारे अंदर ओसोफेगस इसके पास भी ओसोफेगस, हमारे पास स्टमक इसके पास भी स्टमक, हमारे पास इंटेस्टाइन इसके पास भी इंटेस्टाइन, हमारे पास रेक्टम मोर और लेस इसके पास में भी रेक्टम। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ध्यान देना, डिफरेंस आता है उसके बाद, हम लोगों के पास में मलद्वार होता है जबकि इसके पास में क्लोएका होता है, हम लोगों के पास में एनल अपर्चर होता है जबकि इसके पास में क्लोएकल अपर्चर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है ना इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है एलिमेंट्री का, ठीक है ना। तो
तो भाई साहब आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें, कौन कौन से पाचक ग्रंथि यहाँ पे लगी हुई है, डाइजेस्टिव ग्लैंड लगी हुई है, तो दो लगा हुआ है इसके पास में। तुमको जान के ताज्जुब होगा, इसके पास सलिवरी ग्लैंड जो हमारा है, जो सलाइवा वाला ग्लैंड है, वो नहीं होता, ठीक है ना। फ्रॉग जो है ना, उसमें सलाइवा या लार सीक्रेट नहीं होता। सलिवरी ग्लैंड, कभी भी ये मत बोल देना कि सजी फ्रॉग को देख रहे थे कि वो लार टपका रहा था। कभी भी फ्रॉग लार नहीं टपका रहा, टपकाता हुआ तुमको नहीं मिला। तो सैलिवरी ग्लैंड नहीं होता है, तो उसके अलावा क्या होगा? जैसे हमारे पास में लीवर होता है, इसके पास में भी लीवर होता है। जैसे हमारे पास में पेनक्रियाज होता है, ठीक है ना, वैसे इसके पास में भी पेनक्रियाज होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लगभग में हमारे जैसा ही संरचना है, डिफरेंसेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये हमारा डायलिसिस सिस्टम है फ्रॉक का। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे ये बताना, जो भी मैंने यहाँ पे बताया, ये चीजें एकदम क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट जो भी मैंने बताया, बताना मुझे जल्दी चैट बॉक्स में, बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ। ओके जी, वेरी गुड, बताया जाए। मतलब एक वर्ड भी लिखने में ना इतना तुम लोग को कठिन लगता है तुम लोग से, तुम्हारा जो है ना किडनी मांग लिए हैं, लीवर मांग लिए हैं, लगता है ऐसा जैसे तुम्हारा सलिवरी ग्लैंड मांग लिए हैं। दो 300 जो, मतलब क्या बोलते हैं, आलसी मड़ा होगा ना, तो तुम लोग अवतार लिए हुए, मामूली नहीं हो तुम लोग, धनी है कि तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं। मतलब एक वर्ड टाइप करने में ना की स्थिति है। देखो बकलोलिया को आकर के बोल रही है सर हैप्पी टीचर्स डे, अभी सुझा है, आधा क्लास होने के बाद आती है बोलने हैप्पी टीचर्स डे। अरे टाइपिंग तो ये लोग का इतना तेज है ना, जितना जवान चलता है उससे ज्यादा तेज इस लोग का टाइपिंग है, ठीक है ना। खाली पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, बाप दादा की जगह पे तो खूब लगाती होगी, लगाता होगा। इस बैल बुद्धि को देखो, सो के उठा है, आ गया हैप्पी टीचर्स डे सर, गधा कहीं का। ना ना, नाम नहीं बताएंगे, रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है ना, बैल बुद्धि है, इतना ही समझ लो, और क्या बोले। चलो धन्य है हम कि तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। इस बार आते कि इतना बच्चा इस बार पिटाएगा हमको भी अंदाज नहीं है, पूरे मूड में है हम। आने दो पहले, फिर बताता है तुम लोग। चलिए जी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको फिर से, ठीक है ना। फ्रॉक का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो डाइसी सिस्टम है, हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोग माउथ को, माउथ तो तुमको पता ही है, क्या बताएं इसके बारे में, मुंह है उसका, फ्रॉक का आता है बेचारा मुंह से, और ठीक है ना, माउथ को रहने देते हैं, माउथ से आगे बात करते हैं। माउथ से आगे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, जो गड्ढा होता है उसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बताते हैं कुछ पॉइंट। जैसे ओरल कैविटी में तुम देखोगे तो, जैसे तुम्हारे पास जीव है टंग, इस फ्रॉग के पास में भी टंग होता है, लेकिन इसका टंग तुम्हारे टंग से डिफरेंट है, ठीक है ना। फ्रॉग का जो टंग होता है ना बहुत लंबा होता है, उसकी जो जुबान होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ फ्रॉग जो होता है ना, ध्यान देना, मैं इधर बना के दिखाते हैं, तुम कभी फ्रॉग को खाते हुए देखो ना, देखे हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो खाता है। थोड़ा तो मैं इसको बना देता हूँ, मेरा फ्रॉग है, फ्रॉग है, हंसना मत, ऐसे ही बना है, ठीक है ना। जो फ्रॉग है उसको खाते हुए तुम देखोगे ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखेगा। असल में उसकी जो जीव जो है ना, अंदर में कुड़ियाया हुआ होता है, लपेटा हुआ होता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कोई तितली है, कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, फटाक से वो अपने मतलब टंग को फेंकेगा, घेरेगा, और घेरने के बाद सीधे वो टंग को क्या करेगा, अपने अंदर में खींच लेता है। तभी तुम फ्रॉग को खाते हुए देखना, ठीक है ना, झटके में टंग को फेंकता है और उसको खींच करके खा जाता है ना। तो इस तरीके से जो फ्रॉग का जो टंग होता है उसके बारे में लोग क्या बोल सकते हैं, ये लंबा होता है और उसके मुंह में गुड़ियाया हुआ होता है, फोल्डेड होता है, ठीक है ना, फोल्डेड होता है। और फोल्डेड के साथ साथ तुम देखोगे ना तो ये बाइलोब्ड होता है, उसमें दो ठो लोब होता है।
हम लोगों के जैसा नहीं है, ठीक है ना। इसका जो टंग है वो बाइलोब आपको देखने को मिलेगा, उसमें दो ठो लोब आपको देखने को मिलेगा एट एंटेरियर साइड, एट एंटेरियर साइड आगे की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो टंग है थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि बेचारा अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता, इसलिए टंग से ही पकड़ के खा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझा हुआ है हमारा, इतना कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है ना। टंग से आगे चलते हैं, टंग से आगे वाला जो संरचना है वो है ओसोफेगस, और ओसोफेगस तो तुमको पता ही है, खाना को स्टमक तक पहुंचाने वाला जो नली है उसी को तो ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं ओसोफेगस के बारे में भी कुछ नहीं लिखता हूँ, इसको भी मैं छोड़ता हूँ, इसमें कुछ खास बात डिस्कस करने वाली नहीं है। अब अपन चलते हैं फ्रॉग जो है उसके आमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में, ठीक है ना। हाँ, म्यूकस नहीं होता है जिन, नहीं, म्यूकस होता है, क्या बात कर रहे हो, म्यूकस उसके स्टमक में, ये टंग में होता है, उसी चीज पकता है, ठीक है ना। ध्यान, स्टमक की बात करेंगे ना तो स्टमक क्या है, एक बड़ा सा बैग, जैसे हमारा स्टमक, हमारा जो स्टमक होता है, मान लो ये तुम्हारा ओसोफेगस है, ओसोफेगस से आगे क्या होता है, तुम्हारा ये स्टमक होता है, स्टमक, स्टमक से आगे तुम्हारा इंटेस्टाइन चला जाता है। तो कुछ ऐसे ही फ्रॉग में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से क्या है, स्टमक है हमारा, ठीक है ना। और स्टमक जो है वो मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर बैग है, ठीक है ना, इट इज द मस्कुलर बैग। इसमें होता क्या है, असल में स्टमक जो है ना वो कंटेन करता है एसिडिक मीडियम या HCl, HCl कंटेन करता है, एंड HCl के साथ उसमें एक्टिव होने वाला बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को रखता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, वो एंजाइम जो एसिड में एक्टिवेट हो, जिसको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में यहाँ पे कौन कौन सा एंजाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो पेप्सिनोजेन है, प्रोडेनिन एंजाइम जो है, वैसे एंजाइम जो है इसके अंदर में आ जाते हैं, जो कि पचाने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, स्टमक से आगे, स्टमक से आगे हम लोग चले तो नो डाउट इंटेस्टाइन आ जाता है ना। स्टमक से आगे जो है फ्रॉग में आ जाने वाला है इंटेस्टाइन, ओके। जैसे हम लोगों के पास इंटेस्टाइन होता है, वैसे ही जो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो इसके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे तो इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है ना, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ किसके, किससे हेल्प होता है, ध्यान देना, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ क्या बोल सकते हैं। तो इसके पास इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसके द्वारा होता है डाइजेशन, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन अपना जूस बनाता है, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग सक्का सिंटेरिकस के भी नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावे देखोगे पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है ना। और पेनक्रियाटिक जूस के अलावे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो बाइल जूस होता है वो भी होता है, जो कि डाइजेशन में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब 9-10 में तुम लोग पढ़ के आए हो, जैसे हम इंसान में डाइजेशन होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है। इवन केवल डाइजेशन ही नहीं, अगर तुम फ्रॉग में बात करो तो फ्रॉग में जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया है उसका एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है, ठीक है ना, उसका डाइजेशन जो भी हमारा है ना, ठीक है ना, यहीं पे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमारा सारा चीज डाइजेस्ट हो जाएगा तो अनपचा पदार्थ भी होगा ना, तो उस अनपचा पदार्थ को आगे की तरफ ठेल दिया जाता है, आगे जहाँ पे ठेला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, ठीक है ना, रेक्टम, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड, ध्यान देना, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है ना। और इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल में भी जो पानी होगा ना, उस पानी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। और बाद बाकी जो है ना उसको क्लोएका में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं यहाँ पे आता है एंड सेंड टू क्लोएका, क्लोएका में उसको भेज दिया जाता है, ओके जी।
चलिए जी हम लोग थोड़ा क्लोइका के बारे में डिस्कस कर लें। क्लोइका जो है उसके बारे में डिस्कस कर लें। ध्यान देना, क्लोइका क्या होता है समझो इस चीज को, मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ। ये तुमको बार बार की क्वेश्चन ये आएगा, क्लोइका क्या है। देखो क्लोइका एक पाउच है, ठीक है ना। ये एक ऐसा पाउच है जहां पे जानवर जो है ना, उस जानवर का जो मल द्वार है वो भी खुलता है, फूड पाइप भी खुलेगा, ठीक है ना, फूड पाइप भी खोलेगा। फूड पाइप के साथ साथ क्लोएका एक ऐसी नली है जहां पे जो इंसान का जो मूत्र होता है, यूरिन जो होता है, वो यूरिन भी वहीं पे जाकर खुलता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूरिन को लाने वाली जो नली है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर वो मेल है तो सेक्स करता होगा, अगर वो सेक्स करता है तो स्पर्म जाने वाली कोई नली होगी ना जी। तो अगर तुम देखो तो मेल में स्पर्म ले जाने वाला जो नली होता है उसको हम लोग बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। समझना मेरी बात, इजेकुलेटरी डक्ट। तो क्लोएका एक ऐसी नली है जिसमें हम लोग देखेंगे ना तो तीन विशेष प्रकार का संरचना जो है वो खुलता है। फूड पाइप की नली खुलेगी वहां पे, उसके अलावे वहां पे यूरेटर खुलेगा, उसके अलावे वहां पे इजेकुलेटरी डक्ट खुलेगा। मतलब ये एक ऐसा चैम्बर है, कॉमन चैम्बर है जहां पे फूड पाइप से खाना आने वाला है। यूरेटर कहाँ से आ रहा है, किडनी से, है ना। जो किडनी है उससे यूरेटर जो हमारा है वो यूरिन लेके आ रहा है। इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ पे लगा हुआ है, टेस्टिस में, ठीक है ना। जो टेस्टिस है वहां से क्या लगा हुआ है, इजेकुलेटरी डक्ट। ये तीनों चीज जो हमारा टेस्टिस बोल दो या तुम इसको ओवम बोल दो, सॉरी ओवरी बोल दो, बात बराबर है, ध्यान देना। जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ओवरी भी बोल सकते हैं, अगर फीमेल होगी तो ओवरी होता ना यहाँ पे ना। तो इस तरीके से क्लोएका एक ऐसा कॉमन चैम्बर है जहां पे फूड पाइप, ठीक है ना, यूरेटर और इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो तीनों खुलता है। और ये तीनों जो है ना तुमको क्या दिखेगा, क्लोएका एक नली के जरिए बाहर खुलता है, ठीक है ना। नली के जरिए वो बाहर खुलेगा, और बाहर खुलेगा तो वो क्या क्या निकाल सकता है। फूड पाइप से वो मल निकालेगा, फिकल मैटर निकालेगा। अगर फूड पाइप का कचरा आया तो बाहर फिकल मैटर निकलने वाला है, यूरेटर का कचरा अगर बाहर आया तो यूरिन निकलने वाला है, और अगर इजेकुलेटरी डक्ट या हमारा ओवरी का सामान यहाँ पे आया इस चैम्बर में तो क्या आने वाला है, स्पर्म आएगा बाहर में या ओवम आएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब क्लोएका का डिफिनेशन बताइए, परिभाषित कीजिए क्लोएका, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको, आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे क्लोएका जो है वो कॉमन चैम्बर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्लोएका इज द कॉमन चैम्बर, समझना, ऑफ बोल सकते हैं फूड पाइप, यूरेटर एंड गोनार्ड डक्ट। गोनार्ड जो है ना उसका जो डक्ट है उसका कॉमन चैम्बर है। और ये जो क्लोएका आगे की तरफ जो खुल रहा है ना, ये वाली नली, इसी को तो बोलेंगे क्लोएकल अपर्चर, ठीक है ना। इसी से तो खुलता है, निकलता है सारा चीज ना। तो चलो आठवां चीज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्लोएकल अपर्चर भी बोल सकते हैं, है ना। तो फ्रॉग में यहाँ पे क्लोएका नाम का संरचना है, लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोगों में सारा नली अलग अलग है। मूत्र वाली नली अलग है, जो स्पर्म ये सॉरी ओभा को ले जाने वाला नली जो है वो अलग है, फिकल मैटर या मल को बाहर निकालने वाली अलग नली है ना। तो हम लोगों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग में चूंकि वो हम लोगों से ज्यादा आसान एनिमल है, वो हम लोगों से लेस डेवलप्ड एनिमल है, इसलिए उसमें प्रकृति ने, ऊपर वाले ने क्या किया, एक ही नली में सारा व्यवस्था कर दिया है कि चलो भाई ये चैम्बर है, मल को आना होगा तो इधर से निकल जाएगा इस चैम्बर में आते हुए, यूरिन आएगा वो भी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से अगर स्पर्म होगा आना है वो भी चला जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये संरचना जो है एलिमेंट्री कैनाल का है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फ्रॉग का इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या डिस्कस किया, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया ओरल कैविटी में टंग इसका यूनिक है, ठीक है ना। टंग यहाँ पे फोल्डेड होता है, बाइलोब होता है, ठीक है ना। फिर ओसोफेगस के बारे में कोई उतना खास चीज नहीं है, इंटेस्टाइन के बारे में भी बात करेंगे तो उतना खास नहीं है, ओके। रेक्टम के बारे में बात करेंगे तो वो भी उतना खास नहीं है। हाँ क्लोएका यहाँ पे जो है एक यूनिक चीज मिल गया है, ठीक है ना।
ये चीजें जो है एलिमेंट्री कैनाल में, ये सब बहुत आसान है, पता है तुमको, ये हम लोगों से कंपेयर किया गया है, ठीक है ना, आसानी से याद रह सकता है आपको। टंग और क्लोएका के बारे में याद रखना है, बाद बाकी चीजें अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर बनेंगे तो इसी सब की चीज तो हम लोग पीएचडी करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल के बाद लीवर के बारे में तो तुम जानते ही हो, बाइल जो उसको सिक्रेट करता है, लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तुम क्यों बोलोगे सर लीवर को आपने छोड़ दिया, ठीक है ना। लीवर जो है वो क्या करता है, अल्कलाइन बाइल जो उसको सिक्रेट करता है, ठीक है ना, सीक्रेट करता है अल्कलाइन बाइल जूस को, ठीक है ना। और ये जो बाइल जूस है वो असल में डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है इन ड्यूडेनम, ठीक है ना। और जनरली अल्कलाइन बाइल जूस होता है ना, तुम अगर उसको देखो तो वो एक छोटे से पाउच में जमा हुआ रहता है, जरूरत पड़ने भी निकलता है, और वो जो पाउच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान, ये जो अल्कलाइन बाइल जूस है वो असल में स्टोर्ड होता है एक पाउच में, उस पाउच को हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लाडर, ठीक है ना। तो गॉल ब्लाडर नाम का संरचना है, उसमें ये जमा रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से निकल निकल के वो क्या होता है बॉडी में, वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जाता है पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो लीवर के बारे में इतना पॉइंट काफी है अपने पास, ठीक है ना। चलिए जी, इसके अलावा हम लोग बात कर लिए, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो पेनक्रियाज की बात करते हैं, अगला हम लोग पेनक्रियास की बात करते हैं, सॉरी पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का भी वही कहानी है जो हम लोग जानते हैं, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है और पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन करना ज्यादा सही है, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेशन जो है ना उसमें ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है ना, सिक्रेट करता है ये किसको, तो पेनक्रियाटिक जूस। ओके, पेनक्रियाटिक जूस जो है उसको सिक्रेट करता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करेगा, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो फ्रॉग के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना पॉइंट पढ़ना इनफ है, ये सब बहुत आसान चीज है, तुमको लगता होगा सर क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ह्यूमन फ्यूचर पढ़ेंगे ना तो तुम खुद ही बोलोगे अरे सर ये सब इतना आसान चीज, छोड़िए नहीं सबको, नहीं भी पढ़ाइएगा तो चलेगा, तुम खुद ही बात, बहुत आसान चीज हम बता रहे हैं, अभी तुमको लगता होगा सर ने क्या पढ़ा हुआ अच्छे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लिए, अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे फ्लॉक के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ओके, वन मिनट, फ्लॉक के हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, श्वसन तंत्र की बात करते हैं। ओके, ध्यान देना, श्वसन के मामले में या रेस्पिरेशन के मामले में बात करेंगे तो फ्लॉक बड़ा ही किस्मत वाला है, ठीक है ना। फ्लॉक में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक दो नहीं बल्कि तीन तीन प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जुगाड़ इसके पास तीन तीन प्रकृति में दिया है, नेचर ने दिया है, ठीक है ना। कौन कौन से इसमें सांस लेने का जुगाड़ है मैं तुमको बता देता हूँ, ध्यान देना, इसमें तीन टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, ध्यान देना, थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, थ्री टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, कौन कौन सा है जी, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग थ्री टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें पहला जो हमारे रेस्पिरेशन है ना वो उसके स्किन के द्वारा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। असल में क्या होता है, अगर हम अपने स्किन की बात करेंगे ना, ठीक है ना, तो अपना जो स्किन है ह्यूमन का, ठीक है ना, तो हमारे स्किन की खासियत क्या है, हमारे स्किन के ऊपर में जो है ना बहुत सारी मरी हुई कोशिकाओं का लेयर बन गया है, ठीक है ना। और हमारे बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जो रक्त वाहिकाएं जो होती है वो बहुत नीचे होती हैं, इस कारण से बाहर का बेचारा ऑक्सीजन टुकटुकी लगा के देख रहा होता है, अंदर में इस लेयर को पार ही नहीं कर पाएगा कि वो हमारे ब्लड कैपिलरी में जाता है। लेकिन फ्रॉग के साथ क्या है कि फ्रॉग का जो स्किन है ना बड़ा ही पतला और बड़ा ही नाजुक होता है, ध्यान देना, जो फ्रॉग का स्किन होता है बहुत ही पतला होता है, और उसके जस्ट नीचे में ब्लड की कैपिलरी जो होती है वो फैली हुई होती है, जिसमें खून दौड़ रहा होता है, रक्त दौड़ रही होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसका बॉडी बहुत पतला है, स्किन इसका बहुत पतला है, और ऊपर से इसमें नमी भी बनी हुई है, ठीक है ना, इस कारण से
आसानी से ऑक्सीजन जो है ना इसके स्किन के जरिए इसके ब्लड कैपिलरी में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी स्किन में है वो बाहर आसानी से वहां से डिफ्यूज होकर के निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो पता चलता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो हमारा है ना स्किन के जरिए आसानी से हो जाता है। एक तो बकलोलवा को देखो तो बोल रहा है सर हैप्पी चिल्ड्रंस डे, अरे गधा नहीं सुधरेगा तो ना सुधरेगा ना। फिर बोला है सर सॉरी टीचर्स डे, क्या लेता है तू रात में, ये लेता पर क्या बताए, धन्य है हम कि तुम्हें तुम लोगों को पढ़ाते हैं, और सॉरी बोलने से क्या होगा बेटा। चलो ध्यान दो, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से आगे देखते हैं। ध्यान देना जैसे हम लोगों के पास लंग्स है ना, हम लोग लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, फ्रॉग के पास में भी लंग्स होता है, और अगर लंग्स के जरिए सांस लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ध्यान देना पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है उस नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है हम लोग लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, वैसे ही इसके पास में भी लंग्स है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ थ्रू लंग्स, ओके। अगर लंग्स के जरिए सांस लिया जाए देन इट इज सेड टू बी पल्मोनरी रिस्पिरेशन, ठीक है ना। तो फ्रॉग में एक तो स्किन के जरिए सांस ले लिया है ना, और स्किन के अलावा देखेंगे तो यहाँ पे पल्मोनरी रिस्पिरेशन जो है वो भी हो रहा है, उसके अलावा एक और रिस्पिरेशन है, ठीक है ना। उस रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं बक्को फेरिंजियल रिस्पिरेशन या बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन बोलते हैं। मैं सीधे लिखता हूँ बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ध्यान देना बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन, ओके। बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन क्या है मेरी बात को समझना। देखो तुम हो रामलाल, ठीक है ना, और ये अभी जो आया था राम आधार है, ठीक है ना। तुम मुंह खोल करके एक सांस लो, ठीक है ना, ले सकते थे तुम जब तुम्हारा ब्लड का कैपिलरी जो है ना एकदम जाल के जैसे तुम्हारे यहाँ पे फैला हुआ, ठीक है ना। तुम ले सकते थे यहाँ पे आसानी से, मुंह खोलते तुम और जो हवा है उस हवा का ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर के अंदर में चला, लेकिन हम लोगों में ये नौ के बराबर है। जबकि अगर फ्रॉग में तुम क्या देखोगे, ध्यान देना फ्रॉग जो है अगर वो अपना माउथ खोल दिया ऐसे, तो फ्रॉग के अंदर में जो गड्ढा होता है ना इस गड्ढा को हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी पे तुम क्या देखोगे, इसमें बहुत ही विस्तृत जाल होता है ब्लड कैपिलरी का, ठीक है ना। तो फ्रॉग क्या करता है मुंह में हवा को पहुंच लेता है, ठीक है ना, हवा को जमा कर लेगा, और जब हवा जमा हो जाएगा ना तो उसके जो मुंह का जो दीवाल है उस दीवाल से वो आसानी से गैसेस को क्या करने वाला है एक्सचेंज कर लेने वाला है, ठीक है ना। ध्यान देना पिछले क्लास में हम लोग फ्रॉग जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फ्रॉग है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। असल में एक्सक्रीटरी सिस्टम ना बोल करके हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, ठीक है ना, हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड को देख लेते हैं यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या होगा। ध्यान देना यहाँ पे ये जो यूरिनोजेनिटल वर्ड है दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक तो यूरिन से मिलकर बना हुआ है और जो दूसरा बना हुआ है दैट वन इज जेनिटेलिया, है ना। दोनों का मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना दोनों का अपन मतलब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यूरिन का मतलब हो गया हमारा, या यूरिन से यहाँ पे जो मतलब है यूरिनो से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम हमारा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम जो यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूरिन का मतलब हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और जेनाइटल जेनिटेलिया जननांग सब एक ही चीज है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया जेनाइटल सिस्टम, या हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। देखो इस दोनों सिस्टम को कंबाइनली जो हम लोग स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं, या उस सिस्टम को जब कंबाइनली हम लोग पढ़ेंगे ना
एक्सिस्टिव सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साथ साथ में पढ़ेंगे, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। असल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जो हमारा है ना, चाहे एक्सिस्टिव सिस्टम हो चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, असल में एक ही जगह से ओरिजिन है, ठीक है ना, चूंकि दोनों के पास में कॉमन ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन, चूंकि दोनों के पास में कॉमन ओरिजिन है, यही कारण है कि हैंस ये दोनों न, है ना, ये दोनों अगर हम लोग देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा, हैंस कनेक्टेड टू इच अदर, इसी कारण से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा जो एक्सिस्टिव सिस्टम है आपस में जुड़ा हुआ होता है, यही कारण है कि इसको कंबाइनली हम लोग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम अपने बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में तो क्या तुम क्या देखते हो, ह्यूमन में अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन में ये है, मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लड, जिसमें किडनी से यूरिन आता है ना, और यूरिन यहाँ से आने के बाद क्या होता है, एक नली के माध्यम से कुछ इस तरीके से वो बाहर जो है ना निकलता है यूरेथ्रा के रूप में ना, ऐसे निकलता है बाहर, ध्यान देना, इस तरीके से ये जो यूरेथ्रा है उसके माध्यम से यूरिन जो है ना वो बाहर निकलता है। तो ये हमारा है यूरिनरी सिस्टम, जिससे होकर के यूरिन बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। देखो ना, ये यहाँ पे अंडकोश है या स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में टेस्टिस या जो अंडकोश है वो रखा हुआ है, हमारा वृषण रखा हुआ है, सॉरी वृषण रखा हुआ है, यहाँ से वास डिफरेंस और बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो आकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये नली इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हो जाता है। तो देख रहे हो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो हमारा जेनाइटल सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि साथ में जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम क्या है, वो क्लियर हुआ आया ना, चैट बॉक्स में सबसे पहले ये बात बताइए, जल्दी बताओ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम क्या है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। ओके, सालिहा मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग एनिमल में देखें तो एक्सिट्री सिस्टम जो कि यूरिन प्रोड्यूस करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमारा जेनिटेलिया होता है, असल में जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट बताओ। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चूंकि यहाँ पे एक्सेप्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है ना। तो बड़ा आसान चीज है ये, चीज आपको तो समझ में आ गया होगा। ओके चलो, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सेप्टिव सिस्टम दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। ओके, हम लोग दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे एक्सेप्टिव सिस्टम को, ध्यान देना, विल डिस्कस अबाउट एक्सेप्टिव सिस्टम। ओके, और एक्सेप्टिव सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी। पहले हम लोग कचरा को निकालने वाले सिस्टम की बात कर लें, ठीक है ना। तो अगर कचरा निकालने वाले सिस्टम की बात करें तो हमें कचरा क्या होता है वो भी पता करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, अगर हम लोग फ्रॉग में देखिए कचरा क्या बनता है, तो फ्रॉग में जो कचरा होता है या फ्रॉग में जो एक्सेप्टिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, वो एक्सेप्टिव प्रोडक्ट कुछ और नहीं, जैसे हम लोगों में यूरिया बनता है वैसे ही इसमें भी यूरिया ही होता है, इसके ब्लड में यूरिया जमा होता है और उसको क्या करना होता है, निकालना होता है, ठीक है ना। तो यूरिया यहाँ पे एक्सेप्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और इसके छानने के लिए, इसको हटाने के लिए जो ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, तो इसको हटाने के लिए जो ऑर्गन होगा वो होगा फ्रॉग के पास किडनी, ठीक है ना, जैसे हमारे पास किडनी होता है वैसे इसके भी पास भी किडनी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखोगे ना तो इसका किडनी हम लोगों के जैसा नहीं है, बड़ा सिंपल टाइप का किडनी, हम लोगों के जैसा एडवांस किडनी नहीं, हम लोगों का जो किडनी है वो बहुत एडवांस है, उसको लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, और चूंकि ये मेटानेफ्रिक से पहले वाला है, प्रिमिटिव है, तो इसको अगर हम लोग देखे तो ये असल में जो किडनी होता है ना, इस किडनी को हम लोग बोलते हैं मेजोनेफ्रिक, मेजो मतलब बीच वाला, मेटा मतलब बाद वाला, ये बीच वाला किडनी, ठीक है ना, उतना एडवांस नहीं है, ये मेजो नेफ्रिक किडनी की कैटेगरी में आता है। ओके, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजो नेफ्रिक किडनी। तो भाई साहब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए इसमें कौन सा किडनी है, तो आपको याद रखना है मेजो नेफ्रिक किडनी है,
हम लोगों में होता है मेटानेफ्रिक, हम लोग बाद में बात भी करेंगे ठीक है ना, एनिमल किंगडम में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसमें देखेंगे तो इस भाई साहब में मेजोनेफ्रिक किडनी है, आपको ये चीज ध्यान रखना है ठीक है ना। और भी बहुत सारे संरचनाएं हैं, चलो जी हम लोग डायग्राम बना कर देखेंगे ठीक है ना, अपन डायग्राम बना कर देखेंगे ना तो हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, हम लोग तो किडनी का स्ट्रक्चर देख के ही समझ लेते हैं। अरे बीच में, इन द सेंस कि डेवलपमेंट में ये बीच में है, सबसे सिंपल वाला को हम लोग बोलते हैं प्रोनेफ्रिक, उसके बाद थोड़ा एडवांस मेजोनेफ्रिक, उसके बाद वाला एडवांस होता है उसको बोलते हैं ओपेस्टोनेफ्रिक किडनी, और सबसे एडवांस होता है उसको लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी, जो हम लोगों में और चिड़िया में पाया जाता है, सबसे एडवांस वाला में हम में और चिड़िया में पाया जाता है। चलो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पूरा का पूरा यहाँ पे जो एक्सेटिव सिस्टम है उसका संरचना ही बना देते ठीक है। अगर हम लोग फ्रॉग का एक्सेटिव सिस्टम देखें तो फ्रॉग का एक्सेटिव सिस्टम कुछ इस तरीके का, गौर करना, कुछ इस तरीके का, जस्ट देखो डायग्राम, दिमाग में फिट हो जाएगा, इस तरीके से जो है ना नली निकलती है ओके। और ये जो किडनी है इसी को हम लोग बोलते हैं मेजोनेफ्रिक किडनी, ये है मेजोनेफ्रिक। पूछेगा फ्रॉग में कैसा किडनी, तो बोला मेजोनेफ्रिक किडनी, और क्या ठीक है ना, दिस इज मेजोनेफ्रिक किडनी। पता है इस मेजोनेफ्रिक किडनी के ऊपर में एक प्यारा सा ग्लैंड भी होता है, जैसे हम लोगों के किडनी के ऊपर में ग्लैंड होता है याद करो, वैसे ही इसके ऊपर में भी तुम देखोगे ना तो एक प्यारा सा ग्लैंड होता है, क्या कोई बता सकता है इस ग्लैंड का क्या नाम है? किडनी पे जो रखा हुआ ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? चलो मैं बताता हूं, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सुप्रा रिनल ग्लैंड, इसको कोई कोई सुप्रा नहीं रिनल भी बोलते हैं और कोई कोई एड्रिनल भी बोलता है, एड्रिनल ग्लैंड ठीक है ना। ये जो प्यारा सा ग्लैंड है वो असल में किडनी पे रखा हुआ होता है, वेरी गुड ऐसा ठीक है ना, वेरी गुड। अरे ये 10th में तुम लोग पढ़े हो, मक्कारी करके आए हो इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है, 10th में ये बताया जाता है। चलो तो ये किडनी है, उसके ऊपर में सुप्रा रिनल ग्लैंड है, और ये हमारा मेजोनेफ्रिक किडनी है। इस मेजोनेफ्रिक किडनी से आगे देखेंगे तो 2 ठो नली निकली है जिसको हम लोग मूत्र वाहिनी के नाम से जान सकते हैं, या इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, जैसे हम लोगों में होता है वैसे इसके पास में भी मूत्रवाहिनी या यूरेटर होता है ओके। ध्यान देना ये जो यूरेटर होता है आगे तुम देखोगे ना तो एक पाउच में खुलता है, थैली में खुलता है ठीक है, एक थैली में खुलता है इस तरीके से। और ये जो थैली है, इस थैली की खासियत ये है कि इस थैली में अगर तुम देखोगे ठीक है ना, तो इस थैली में ऐसा नहीं कि केवल यही खुलता है, कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे इस थैली में तुमको एक पाउच दिखेगा ऐसा। इस पाउच की खासियत क्या है, जब यूरेटर से यूरिन आएगा ना तो ये यूरिन यहाँ पे जो जमा होगा वो आकर के इसमें एक्स्ट्रा में एडवांस में यहाँ पे ये यूरिन जमा हो जाएगा, क्योंकि यूरिन यहाँ पे इस नली में जमा होता है इसलिए इस नली को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लड, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लड ओके। उसके अलावे तुम देखोगे तो इस पाउच में और भी कुछ खुल रहा होता है, जैसे ध्यान देना इसी पाउच में कहीं से तुम देखोगे फूड पाइप जो हमारा होता है, अनपचा पदार्थ को ला करके यहीं पे निकालता है, ये फूड पाइप ठीक है ना, ये जो पाइप यहाँ पे बना रहे हैं दिस इज फूड पाइप ओके, दिस इज फूड पाइप। उसके अलावा कुछ और भी चीज होता है जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसी में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से ना कुछ नली आ रही होती है जो स्पर्म को या ओवम को ला करके डालता है ठीक है ना, स्पर्म या ओवम है उसको भी लाके डालता है, स्पर्म और ओवम को लाने वाला जो है उसको हम लोग गोनाइडल डक्ट के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो कॉमन चैम्बर हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया, ध्यान देना ये जो हमने कॉमन चैम्बर बनाया, ये कॉमन चैम्बर देख रहे हो इसमें हमारा जो अनपचा पदार्थ है वो भी आके खुल रहा है, यूरिन भी आकर के जमा होता है, स्पर्म ओवम भी आकर के जमा होता है ना, तुम बता सकते हो क्या इस कॉमन पाउच का नाम क्या होगा? कल ही हमने बताया, कौन बताने जा रहा है इस कॉमन पाउच का नाम, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। ऐसा पाउच जिसमें यूरिन भी आए, जिसमें अनपचा पदार्थ भी आए, उसके साथ साथ जिसमें स्पर्म ओवम भी आए, कोई बताओ सही, नहीं रियाज गलत है, जल्दी बताओ, कल ही हमने बताया है।
बात एकदम स्पष्ट है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बताना। अरे कल ही तो बताया बुद्धू, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्लोएका, क्लोएका, एका, CLOACA, है ना, क्लोएका। क्लोएका क्या है? क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जिसमें यूरिन हो गया, अनपचा खाना हो गया, ठीक है ना, मल जिसको बोलते हैं, उसके अलावे जिस्पर्म ओवम है, सबका कॉमन चैम्बर है ना, इसको हम लोग कॉमन चैम्बर के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेटरी सिस्टम में इतनी संरचनाएं हैं। कौन कौन सा संरचना है यहाँ पे ध्यान देना, पहला नंबर पे तो किडनी हो गया, दूसरा नंबर पे यूरेटर हो गया ना, नली, तीसरा नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोएका हो गया, और चौथा नंबर पे देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया जिसमें मूत्र जमा हो गया। इतनी सारी संरचनाएं जो है होती है, ठीक है ना। चलो थोड़ा और भी हम लोग डिस्कस कर लें। देखो थोड़ा सा किडनी को हम लोग खोल के देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग किडनी को खोल के देखें तो किडनी कैसा दिखेगा ध्यान देना, थोड़ा समय डायग्राम। किडनी को खोल के देखेंगे ना तो इस किडनी में तुमको बहुत सारी, ये मान लो किडनी है, ठीक है ना, इस किडनी में तुमको बहुत सारी पतली पतली नली दिखेंगी, ऐसी नली, नेफ्रॉन के जैसे नली होती है, बहुत सारी पतली पतली नली होती है। और वही पतली पतली नली जो होती है ना, होता क्या है ध्यान देना, जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे आते हैं, मान लो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी जिसको बोलते हैं, कैपिलरी है, और इस कैपिलरी से जो कचरा है वो एब्जॉर्ब होकर के इस नली के माध्यम से क्या होता है, ये नली जो है बहुत सारा आपस में ज्वाइंट होता जाएगा, और ज्वाइंट होकर के इस तरीके से एक नली के रूप में बाहर खुलता है, और यहाँ से यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकलता है, ये यूरिन का हमारा जो है बूंद है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देखें तो ब्लड छनने के बाद जो कचरा है इस पतली पतली नली से आ जाओ, ये जो पतला पतला नली है जो कि ब्लड को छानने का काम करता है, इस पतली नली को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इस पतली को नली को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, या इस पतली नली को हम लोग बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, ध्यान देना मेरी बात समझ, हम लोग क्या देखते हैं फ्रॉग में, फ्रॉग में ही नहीं इवन हम लोगों में भी, जो ब्लड को छानने का जो काम जो नली का होता है उस नली को हम लोग बोलते हैं क्या, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे फ्रॉग में, फ्रॉग के एक किडनी में कितना यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है या ब्लड को छानने वाली नली है, तो तुमको पता चलेगा एक दो नहीं बल्कि 2000 होगा, ठीक है ना, कितना है, 2000, 2000 इन एच किडनी, ठीक है ना। काम क्या करता है तो बोल सकते हैं, ये फिल्टर करता है ब्लड को, किस काम के लिए, टू फॉर्म यूरिन, यूरिन बनाने के लिए फिल्टर, ठीक है ना। ओके तो चैट बॉक्स में हमें बताओ ये पेज नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट ही है ना, ओके 1 मिनट, ये पेज नंबर फर्स्ट हुआ, लाइट यहाँ पे कट गया है, कभी भी हम डिसकनेक्ट हो सकते हैं, ओके ये पेज नंबर फर्स्ट है, आज तारीख हो गया 6 और 23, ध्यान देना लाइट अभी इधर हमारी तरफ कट गया है, कभी भी डिसकनेक्ट हो जाए, अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो समझना क्लास कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो यहां तक जो भी मैंने बताया यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, एक्सिटी सिस्टम के बारे में, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आया ना, तो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, बताना मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना यहाँ पर, आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना। ओके जी हाँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो चलिए जी इसको अपन सेव करते हैं और इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हमने क्या देखा, एक तो एक्सिटरी सिस्टम है जहां से हमारा यूरिन जो है वो छान करके निकलता है, ब्लड को छान करके कचरा जो है उसको हम लोग निकालते हैं, और उस कचरा को ही हम लोग यूरिन या मूत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, अब जो अपना टॉपिक रहा दैट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो चलिए जी हम लोग हियरिंग देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले कौन सा पड़े, मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल वाला, तुम लोग खुद बताओ मेल वाला या फीमेल वाला, ओके। तो जनता बोल रही है कि सर फीमेल वाला पहले पड़े, थोड़ा सा मेल वाला कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मैं मेल वाला बताऊँ,
अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनालिसिस करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग एनालिसिस करें। थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ध्यान देना, समझना मेरी बात। देखो अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि इसके पास में टेस्टिस होना चाहिए, है ना। तो इसके पास में ये किस चीज का बना हुआ है मैं लिख देता हूँ, ये कंसिस्ट होता है ऑफ किस किस चीज का। तो तुम इसके पास में देखोगे क्या, इसके पास में जो है ना वो होता है इसके पास में किडनी, सॉरी किडनी में बोल रहा हूँ, टेस्टिस इसके पास होगा, ठीक है ना। और ये जो टेस्टिस है इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और क्या, ठीक है ना। और ये जो हमारा मतलब कि टेस्टिस है इससे आगे जो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है वह बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल, ठीक है ना। इसके पास एक विशेष प्रकार की नली होती है जिसको हम लोग बीडर्स कैनाल के नाम से डिस्कस करते हैं, क्या काम है हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारा बीडर्स कैनाल है इससे आगे वाली नली को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, वो हमारा है ध्यान देना। उसको हम लोग नाम देते हैं बीडर्स कैनाल से आगे क्या होने वाला है, 1 मिनट, आई थिंक बीडर्स कैनाल से पहले होना चाहिए टेस्टिस को, होना चाहिए ठीक है, टेस्टिस के बाद होना चाहिए विडर्स कैनाल होना चाहिए, हाँ, और विडर्स कैनाल के बाद होना चाहिए स्ट्रक्चर का, बनाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा, मैं डायग्राम बना के पहले बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो, डायग्राम से मुझे ज्यादा समझ में आता है। देखो अभी हमने जो किडनी बनाया, ये किडनी है, ठीक है ना, हम एक किडनी की बात करते हैं, असल में टेस्टिस में जो होता है ना इसी किडनी के ऊपर में तो होता है। ये जो किडनी है ना, हमने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सेटिव सिस्टम दोनों साथ में है, वास्तव में तुम देखोगे क्या टेस्टिस इस जो हमारा किडनी है ना उसके ऊपर में रखा हुआ, कैसे मैं समझता हूँ, दिखा कुछ ऐसे रखा हुआ तुमको मिलेगा, ये टेस्टिस। और इस टेस्टिस में तुम क्या देखोगे ध्यान देना, इस टेस्टिस में तुम क्या देखने वाले हो, इस टेस्टिस में इस टेस्टिस से कुछ विशेष प्रकार की नली जो होती है ना वो आ करके कुछ इस तरीके से कुछ विशेष प्रकार की नली ये जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से होकर के वो आ जाती है इसमें किडनी में। और ये नली जो टेस्टिस से निकल के आ रही होती है इस नली को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इस नली को हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंश, वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो वासा इफ्रेंसिया जो हमारा है, ठीक है ना, अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये वासा इफ्रेंसिया जो हमारा है ना असल में ये यहाँ से वासा इफ्रेंसिया को देखें, ये आपस में ये लगभग 8 से 10 के करीब में होना चाहिए, ये आपस में जुड़ता है, ठीक है ना, और जुड़ करके एक नली का निर्माण करता है, ठीक है ना, एक नली है उस नली का निर्माण। और ये जो नली है इस नली को हम लोग नाम देते हैं, ये वाली जो नली है इसको हम लोग बोलते हैं बिडर्स कैनल, बिडर्स कैनाल जो है, बिडर्स कैनाल से नाम से हम लोग जानते हैं इसको। और ये बिडर्स कैनाल जो है ना अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ये कहाँ खुलेगा, तो ये जो बिडर्स कैनाल है हमने डिस्कस किया था ना कि हमारा जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से क्या निकलता है, यूरिन को ले जाने वाली नली जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, है ना, तो ये यूरेटर में जाके खुलेगा, ठीक है ना। और तुमको तो पता ही है दोनों तरफ से जो यूरेटर है वो आकर के कहाँ खुलता है, याद है ना, ये दोनों तरफ का यूरेटर जो है वो आकर के खुलता है क्लोएक का में, कॉमन चैम्बर जिसको बोलते हैं, है ना, क्लोएक का में यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। और जो क्लोएक का है उस क्लोएक का से बाहर जो है ये खुलेगा एक नली के जरिए जिसे क्लोएकल अपर्चर। तो तुम ही बताओ टेस्टिस में अगर हमारा स्पॉर्म बना तो टेस्टिस से वो स्पॉर्म कहाँ जाने वाला है, ध्यान देना वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंसिया से जाने वाला है विडोज कैनाल में, और विडोज कैनाल से वो जाने वाला है यूरेटर में, यूरेटर से वो कहाँ जाने वाला है इस क्लोएका में, है ना, क्लोएका में।
और क्लोइका से आगे जो नली जो खुलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर, CLOACALAPERTURE, ठीक है ना। और क्लोइकल अपर्चर से वो क्या होगा, स्पॉर्म जो है वो बाहर में, फ्रॉग जहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहा होगा वहां पे बाहर में पानी में उसे सारा स्पॉर्म जो है वो बाहर निकले, ठीक है ना, स्पॉर्म जो है वो बाहर निकले। तो स्पॉर्म बाहर निकलेगा तो नो डाउट हम लोग बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना चाहिए, फीमेल का देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग केवल ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। हमें देखने को मिला है यहाँ पे सबसे पहला संरचना है टेस्टिस, जिसमें स्पॉर्म का निर्माण होगा, वासाई फ्रेशिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट विडर्स कैनाल। ये संरचना केवल और केवल फ्रॉग में ही पाया जाता है और कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। यूरेटर, ये सब नाम पढ़ने वाले हैं लेकिन विडर्स कैनाल हमारे पास नहीं आने वाला है। क्लोएका, और क्लोएका के बाद है हमारा क्लोएकल अपर्चर, ठीक है ना। तो जनरली एक बार नीट में पूछा था पाथ ऑफ फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं सबसे पहले टेस्टिस में, टेस्टिस के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ हमारा, टेस्टिस के बाद जो हमारा है वो वासा डिफरेंशिया, मैं सुनता टेस्टिस के बाद हमारा स्पर्म जो जाता है वो है वासा डिफरेंशिया, है ना। वासा डिफरेंशिया के बाद हम लोग देखते हैं स्पर्म जाता है विडर्स कैनाल में, है ना। विडर्स कैनाल के बाद हम लोग देखते हैं वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के बाद वो जाएगा क्लोएका में जो कि कॉमन चैम्बर होता है ना। क्लोएका से आगे जाएगा वो हमारा क्लोएकल अपर्चर, है ना, उसमें जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतनी संरचनाएं हैं, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे गौर से एक चीज देख पा रहे हो क्या, देखो ना तुम्हें लग रहा होगा कि जो टेस्टिस है टेस्टिस के माथे पर रखा हुआ है हमारा, सॉरी किडनी है, किडनी के माथे पर रखा हुआ है टेस्टिस, है ना, किडनी के माथे पर रखा हुआ है टेस्टिस, ठीक है ना। यह है अपना प्यारा सा फ्रॉग का किडनी, मेल किडनी, और उसके ऊपर में टेस्टिस रखा हुआ है ना। तो तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक टिश्यू जो हमारा है नॉर्मल टिश्यू किसी कुछ इस तरीके से रहता होगा, इसके ऊपर वाला जो भाग होगा ना बोलता होगा कि चलो भाई हमको टेस्टिस बोलो हम स्पर्म बनाएंगे, नीचे वाला बोलता होगा कि चलो भाई हम स्पर्म नहीं बनाएंगे हम खून को साफ करेंगे हमको ऐसे किडनी बोलो, है ना। तो एक ही संरचना का दो भाग, ऊपर वाला जो स्पर्म बनाने लगा है उसको टेस्टिस बोलते हैं और नीचे जो हमारा ब्लड कुछ साफ करने लगा है उसको हम लोग किडनी के नाम से आएंगे। तो देखते हो दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से है, चाहे वो हमारा स्पर्म बनाने वाला हो या ब्लड को छानने वाला हो या तो हमारे कचरा को निकालने वाला हो या हमारा ओवम स्पर्म को बनाने वाला हो, चूंकि दोनों एक ही संरचना से बनता है यही कारण है कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है, हमारे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट और हमारा यूरिन वाला पार्ट दोनों जुड़ा हुआ है ना, यही कारण है कि दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों का डेवलपमेंट एक ही जगह से है, इसीलिए इसको हम लोग यूरिनरी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को जोड़ करके हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है ना। मुझे बताना चैट बॉक्स में, मैंने जो बताया यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में बताया जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बता दीजिए बताइए भाई साहब। ओके चल रहा बहुत दिमाग लगाते हो तुम, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का देख लिए। अच्छा तुमसे कोई पूछे कि विडर्स कैनाल जो फ्रॉग है उसके किस सिस्टम का पार्ट है, तो क्या बोलोगे चैट बॉक्स में बताना, विडर्स कैनाल फ्रॉग के किस सिस्टम का पार्ट है, क्या बोलोगे तुम, जल्दी बताना। एक्सेप्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके वेरी गुड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी, वेरी गुड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके चलो जी अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आगे बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके बेचारी जो बेचारी फ्रॉग होती है उसके बारे में बात करना है। ओके तो चलो भाई अब हम लोग बेचारी फ्रॉग के बारे में बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ध्यान दो, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, समझ समझ में। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो नो डाउट फीमेल तो तुमको पता ही है, आयतन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जटिलता उसमें भरा हुआ होता है, समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, देखो ना तुम लोग थोड़ा ठीक कर लेना, डायग्राम तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, तुम लोग ठीक कर लेना, ध्यान दो मैं यहीं पे बता रहा हूँ। हम लोग टेस्टिस देख रहे थे, उस टेस्टिस के ऊपर में देख रहे थे, सॉरी ये किडनी था, किडनी के ऊपर में हम लोग टेस्टिस देख रहे थे। एक पॉइंट मैंने वहां पे गलत बताना भूल दिया, भूल गया था मैं गलती से, सॉरी भूल गया था। तुम देखे होगे क्या, टेस्टिस के ऊपर में ना कुछ इस तरीके से डंडा नुमा कुछ संरचना होता है। असल में ये जो पीला पीला संरचना मैंने ऊपर में बनाया है, ये जो है ना फ्रॉग के ऊपर में खाना जमा किया हुआ रहता है, और ये खाना किस रूप में जमा रहता है, फैट के रूप में। यही कारण है कि इस संरचना को हम लोग फैट बॉडी भी बोलते हैं, फैट बॉडी भी बोलते हैं। किडनी के ऊपर में टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर में फैट बॉडी, फैट बॉडी क्या है, स्टोर्ड फैट का संरचना है जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट, ये वाला संरचना मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। आप लोग जो डायग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें याद करके ये वाला संरचना बनाएंगे, उसमें मार्केट पर, ठीक है ना। तो चलो इसको बना लेना, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, आप लोग इसको बना लेना प्लीज। चलो हम लोग अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो नो डाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है ही, फिर भी मैं लिखता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो कंसिस्ट होता है, सबसे पहले तो भाई साहब होना चाहिए ओवरी, जिसमें अंडाणु अंडा बनेगा, है ना, ओवरी होना चाहिए, नो डाउट दो ठो ओवरी होगा, चलो जी अपना ओवरी बना ही लेते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है ना। क्या है, चलो चेक कर लेंगे, कोई नहीं ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा संरचना जो है ना उसको बना के देखें, ध्यान देना। टेस्टिस कुछ ओवरी जो है कुछ इस तरीके से, दो ठो ओवरी कुछ इस तरीके से जो है ना होता है, ठीक है ना। और ये जो ओवरी है, असल में उस ओवरी पे भी जैसे वहां पे फैट बॉडी था ना, इसके पास में भी फैट बॉडी होता है, तो इसका डायग्राम तो मैं बनाऊंगा। इसके पास में कुछ इस तरीके से फैट बॉडी होता है, इसके माथे पे लगा हुआ, जिसमें फैट स्टोर किया हुआ, ध्यान देना, ये जो है ना फैट स्टोर किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये जो ओवरी तुमको दिख रहा है, ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ओवरी दिख रहा है ना, ठीक है ना, असल में ये किडनी के ऊपर में चढ़ा हुआ होता है। तुम इसके पीछे देखोगे ना, जैसे वहां पे टेस्टिस चढ़ा हुआ था, कुछ ऐसे यहाँ पर इसके पीछे जब तुम देखोगे, तो तुमको पता चलेगा क्या, असल में इसके पीछे में ही तो किडनी रखा हुआ है ना। तो ये है किडनी, मेजर नेफ्रिक किडनी, और उस किडनी के माथे पे है ओवरी, ठीक है ना, उसके ऊपर में पीठ पे चढ़ा हुआ है, सॉरी माता बोलने, पीठ पे चढ़ा हुआ अपना प्यारा सा ओवरी, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है ओवरी, ओवरी से क्या निकलने वाला है, ओवरी से निकलने वाला है ओभम, है ना, अंडाणु। तो असल में होता क्या है, ये जो ओवरी है ना, इससे फूट फूट के अंडाणु जो है वो अंडाणु बाहर की तरफ निकल, ठीक है ना। और ध्यान देना, जैसे ही अंडाणु जो है, ओभम जो है वो बाहर निकलता है, होता क्या है, उस अंडाणु को पकड़ने के लिए ना एक इस तरीके से ट्यूब नुमा संरचना जो होता है ना, वो उसके आसपास में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, अंडाणु निकले और उसको पकड़े, इसलिए वो प्रेजेंट होता है। और ये जो ट्यूब नुमा संरचना है, मुंह जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियम, ये जो छेद है उस छेद को हम लोग, छेद को बोलने वाले हैं ओस्टियम, ठीक है ना। जैसे सक्शन वाला मशीन नहीं होता है, चूसने वाला मशीन, पानी उनी को चूसता है ना, वैसे ही यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना अंडाणु को चूसने का काम करता है, उसको ओस्टियम के नाम से विशेष, ठीक है ना। और ये जो ओस्टियम जो हमारा है, होने वाला क्या है, ध्यान देना, ओस्टियम तुम देखोगे क्या, इससे आगे एक नली के रूप में, इस तरीके से नली के रूप में आगे की तरफ घूमता है, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये जो ओस्टियम है वो आगे कुछ इस तरीके से ना ऐसे नली के रूप में खुलता है, ये नली जा रहा है,
उसके रूप में ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना नली के रूप में आगे जो है वो बढ़ेगा इस प्रकार से, और नली के रूप में आगे बढ़ के कहाँ खुलेगा तुमको समझ में आ ही रहा है कहाँ पे इसको खुलना चाहिए। असल में ये नली के रूप में खुलने वाला है क्लोएक्टा के पास, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। लेकिन क्लोएक्टा के पहले थोड़ा सा ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, थोड़ा सा इसमें तुमको स्वेलिंग दिखाई देता है ऐसे, और तब जाकर के ये क्लोएक्टा में फूलता है, थोड़ा सा तुमको स्वेलिंग दिखाई देगा, और ये स्वेलिंग के बाद जो होता है क्या होता है क्लोएक्टा में कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ये रहा क्लोएक्टा, ठीक है ना। यहाँ पे जो सूजा हुआ संरचना है जो फूल गया है यहाँ पे क्लोएक्टा में खुलने से पहले, ठीक है ना, इस नली को हम लोग नाम देते हैं ओभी सैक, ओभा को या अंडाणु को जमा करने वाला थैला, ओभी सैक, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो लंबी सी नली है जो कि ओस्टियम से आगे चला है, इस डक्ट को या इस नली को हम लोग बोलते हैं ओवी डक्ट, अंडाणु को ले जा रहा है ना इसलिए ओवी डक्ट के नाम से जानते हैं। और ये ओवी डक्ट ओवी सैक में खुला, और अल्टीमेटली ओवी सैक कहाँ खुलता है वो तो आपको पता ही है, वो खुलता है किसमें, क्लोएका में, ठीक है ना, क्लोएका में खुलता है, और वो क्लोएका जो है बॉडी के बाहर क्लोएकल अपर्चर के रूप में खुलता है, क्लोएकल अपर्चर जो है उसके रूप में बाहर। ओके तो इस आधार पर हम लोग देखें तो देखो ना कितना पार्ट हो गया हमारा जो फ्रॉग है उसका, सॉरी फ्रॉग का जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहला संरचना तो इसमें ओवरी हो गया है ना, ओवरी जो है वो ओस्टियम के द्वारा पकड़ा जाता है ना, ओस्टियम जो है वो आगे एक लंबी सी नली जिसको ओविडक्ट कहते हैं उससे जरिए आगे बढ़ता है, ओविडक्ट जो है वो आगे जो फूला हुआ संरचना है ओवी सैक में खुलता है, ओवी सैक से आगे हम लोग देखेंगे तो क्लोएका प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोएका है क्लोएकल अपर्चर रूप में आगे खुलता है। ओके तो इस आधार पर हम लोग देखें तो कितने पार्ट हो गए ध्यान देना, ओवरी ओविडक्ट सॉरी ओस्टियम, ओस्टियम के आगे ओविडक्ट, ओविडक्ट के आगे ओवी सैक, ओविक्स के आगे हमारा जो है वो क्लोएका, क्लोएका के आगे हमारा क्लोएका अपर्चर, ठीक है ना। तो ओवरी जो हमारा है वो ओवम को बनाया, इससे आगे कहाँ गया, ओवरी से आगे गया एक नली में जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियम, है ना। ओस्टियम वाली जो नली है वो ट्यूब में कंटिन्यू होती है, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ओवी डक्ट, है ना। और ये जो ओवी डक्ट है आगे जो फूला हुआ संरचना में खुलता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवी सैक, है ना। ये ओवी सैक जो है इससे आगे ये कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका, और क्लोएका जो है वो आगे खुलता है क्लोएकल अपर्चर के रूप में, क्लोएकल अपर्चर के रूप में, और ये जो क्लोएकल अपर्चर जो है वो कहाँ पे खुलता है, क्लोएकल अपर्चर जो है वो खुलता है बाहर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें पाथ ऑफ फ्लो ऑफ ओवम, ओवम कैसे कैसे जाता है, तो हम ये सीक्वेंस दिखा सकते हैं कि भाई इस तरीके से जो है ना ओवम जो है आगे जाता है ना, इस तरीके से वो आगे पर बढ़ता है, लेवलिंग कर सकते हैं सबसे पहले ओवरी में, फिर ओस्टियम में, फिर हमारा ओविडक्ट है उसमें, फिर हमारा ओविसेक है उसमें, फिर हमारा क्लोएका जो है उसमें, उसके बाद हमारा क्लोएकल अपर्चर में, और क्लोएकल अपर्चर से फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चैट बॉक्स में मुझे बताना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया क्या, कौन कौन से संरचना कहाँ कहाँ पे है वो सारा पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ, बताना मुझे जल्दी चैट बॉक्स में बताना जल्दी जी। ओके वेरी गुड, चलो एक जो काम का चीज है वो तुमको बता देता हूँ, तुमको पता है जो फीमेल फ्रॉग होती है बेजारी फ्रॉग होती है वो एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए एक बार में वो कितना ओवम निकालती है रिलीज करती है, तुमको उसका अंदाज हो सकता है क्या, कितना अंडाणु एक बार में वो निकालती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक फीमेल कॉकरोच एक बार जो टर 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 करके पहुंचती है, मतलब कि बुलाता है मेल बुलाता है टर टर करके उसको, और जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए जाती है तो एक बार में एक दो नहीं बल्कि लगभग 3,000, लगभग 3,000 ओवम प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, अ मैच्योर फीमेल
प्रोड्यूस अप टू 3,041 एट अ टाइम। एक बार जब वो रिप्रोडक्शन करने का मन बनाएगी, तो अगर वो हेल्दी है, खाते पीते घर की है, अच्छे से खाती पीती है, बीमारी उमारी नहीं है उसको, तो एक बार में एक जो फ्रॉग है ना वो लगभग 3,000 ओवम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं इसे बस कितना क्षमता होता है ओवम प्रोड्यूस करने का। जबकि इंसान में बात करेंगे, ह्यूमन में, तो इंसानी जो औरतें होती है एक बार में केवल एक ओवम प्रोड्यूस करती है, वो भी 28 दिन में। हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो मुझे चैट बॉक्स में बताना ये पेज नंबर कौन सा होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ पेज नंबर। ओके जी, पेज नंबर 3 है ये अपना, है ना। दिस इज पेज नंबर 3 और आज हो गया अपना 6 तारीख, 6 सितंबर।